तो नमस्कार दोस्तों, परमात्मा लॉक न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे पास मिलेंगे अच्छे एम्पलीफायर, नहीं खतरनाक, जिन्हें खतरनाक बोलते हैं ना वो एम्पलीफायर मिलने वाली है। जिन्हें आप टेप बोलते हो, मशीन बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, जो गाड़ी में लगती है अपनी, वो मिलने वाली है ना। तो इनको मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ कितना खतरनाक सेटअप के साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसको जो टेस्टिंग कराऊंगा ना, इस पे जो दो मोसफेट है ना उन पे मत जाइए, क्योंकि ये क्लास डी एम्पलीफायर है 260 मोसफेट। इसका एक मोसफेट दो दो मोसफेट के बराबर माना जाता है, दो दो तीन तीन मोसफेट के बराबर। तो यहाँ पर लगा सकते हो कितना खतरनाक एम्पलीफायर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बजेगा ना तो आप बोलोगे मजा आ गया। जो यहाँ पर ये टूल वगैरह दिख रहे हैं, ये सब इलाके और गिरा के बताऊंगा, है ना। तो पूरे इलाके गिरा के बताने वाला हूँ, और इसको मैं जो चलाने वाला हूँ और किस पे इसको बजाने वाला हूँ, जिससे कि आपको प्रूफ हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो 12 इंच के स्पीकर हैं अपने, जो कि 155 मैग्नेट के हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीछे भी देख सकते हो जो बड़े वाले स्पीकर है 15-15 इंच के हैं बड़े, जो डीजे टॉप में यूज होते हैं, जो कि 400 वाट के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। उन दोनों को चला के दिखाने वाला हूँ, और ये पूरा सामान जो आपको दिख रहा है वो मैं गिरा के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खतरनाक और भयंकर एम्पलीफायर होने वाला है जब इतना सारा सेटअप चला देगा। लेकिन मैं इसको जो चलाने की इजाजत दूंगा, वैसे ईट वगैरह कुछ नहीं होगा, इसको चाहे पूरे दिन लगा लो और ऐसे बोलेंगे ना ये सेटअप पे चलेगा तो ये भाई 2-3 घंटे में खराब हो जाएगा, और 200 वाट एम्पलीफायर तो खराब तो होना पक्का है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला, 2 ओम्स के लोड पे स्टेबल है, यानी 4 स्पीकर के लोड पे स्टेबल है एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो एम्पलीफायर है, स्टीरियो एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है, 2 ओम के लोड पे स्टेबल है। तो यहाँ पर इनको बजा के दिखाऊंगा, और मैं ईट भी दिखाऊंगा कितना ईट हो रहा है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या आती है बंदो लोगों की, जो कि एम्पलीफायर आती है ट्रांजिस्टर मोसफेट, तो उनका ये बहुत ज्यादा ईट होते हैं, ठीक है। तो वो ईट के कारण क्या होते हैं, खराब जल्दी जाते हैं। अगर इसको 2 दिन बजा के रखते हैं तो पावर सप्लाई बिल्कुल ईट नहीं होगा, क्योंकि पावर सप्लाई खराब जल्दी जाती है। तो इसमें पावर सप्लाई वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बजा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल की पहचान की बात किसी होती, भाई साहब मैं बता रहा हूँ मार्केट में मतलब एम्पलीफायर मिल जाएगा ऐसे, है ना। तो इसमें जो ये सिस्टम आता है आईसी वगैरह, आप देख लो इसमें कितना आईसी वगैरह लगा हुआ है, और कितना ज्यादा वो होने वाला अपग्रेड सिस्टम, जो कि बड़ी बड़ी एम्पलीफायरों में यूज होती है ये वाली आईसी अपनी, जो 210 और CD4049 जो बड़ी एम्पलीफायर में यूज होती है ना, जो इसमें यूज की गई है, ठीक है। छोटी एम्पलीफायर के अंदर यूज की है, जैसे बड़ी एम्पलीफायर आती है अपने, जो कि डीजे के लिए क्लास डी यूज होती है, क्योंकि बहुत भयंकर माना जाता है क्लास डी को इस मामले में, क्योंकि ये जो आउटपुट सिस्टम होता है ना, मतलब यहाँ पर 35-35 सप्लाई लगा हुआ है, तो इसको मतलब कि वोल्ट है ना तो ड्रॉपिंग बहुत कम करता है, यानी कि ये 95% तक जो आउटपुट सिस्टम दे देता है। और जो अपना क्लास ए बी एम्पलीफायर होते हैं तो वो अपने 70% आउटपुट तक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो डाटा होती है ना 30% जो हीटिंग लॉस में चल जाती है। तो इस प्रकार से इसमें हीटिंग लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है, इस प्रकार से ये काफी बेहतरीन बजने वाला है। तो इसको चला के दिखाऊंगा मैं, इतना बेहतरीन बजेगा ये। तो यहाँ पर हिला के दिखाऊंगा, तो चला के नहीं हिला के दिखाऊंगा मैं आपको। तो एक बार लाइक कर दो, अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करो, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे आपको मेरा आज लग रहा होगा थोड़ी आवाज में थोड़ी कम दम लग रही है, क्योंकि जो मेरा बीमारी चल रही है इस टाइम पे, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स, परमात्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो इस टाइम पे बीमार चल रहे हैं। तो इस प्रकार से समस्या आ रही है वीडियो बनाने में थोड़ी। तो एक बार फटाफट से चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर इसमें चला के दिखाने वाला हूँ, और इसको मैं बता दूँ कि इसमें ये मेरे पास बड़ी कैबिनेट में बनाया मैंने, ठीक है। छोटी कैबिनेट के पास भी मिल जाएगा मेरी एम्पलीफायर, छोटी कैबिनेट में जो गाड़ी के डैशबोर्ड में आती है ना, छोटी मतलब क्या बोलते हैं पिकअप की और कार की, तो छोटी डैशबोर्ड में आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं कई लोग बोलते हैं थोड़ा बड़ा एम्पलीफायर हो, गाड़ी ट्रैक्टर में आए अच्छा लगे, लुक को भी अच्छा दे, पैनल कार्ड बढ़िया हो और काफी बड़ा हो, तो इस वजह से इसको 200 वाट में फिट कर देने थे। 13 कैबिनेट के अंदर भी आधारित इजिली आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर इतना है। और यहाँ पर जैसे हाउजा मॉडल के अंदर इसका पैनल कार्ड लगा हुआ है, और इसको चला के भी दिखाने वाला हूँ मैं। और मेरे पास सब प्रकार की एम्पलीफायर मिल जाएगी, जो कि मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हो, क्योंकि एक से बढ़कर एक एम्पलीफायर मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जो कि एक से बढ़कर एक बोलते हैं ना, जो क्लास डी के अंदर अच्छे अच्छे लेवल की, जो बहुत बड़ा लेवल होता है उसकी एम्पलीफायर मिलेंगी, कोई छोटी मोटी नहीं मिलेंगी, बड़े बड़े लेवल की एम्पलीफायर मिलेंगी क्लास डी के अंदर। 3116 बोर्ड भी मिल जाएगा, वो थोड़ी नॉर्मल आती है, 100 वाट के अंदर 200 वाट 500 वाट तक मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हो मेरे को 1000 वाट चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, 800 वाट 1000 वाट सब मेरे पास मिलेगी, जो किसी के पास नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। तो वो मेरे पास बोलोगे तो वो बना के दी जाएगी, जो कि ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह की आती है ना, वो मेरे पास मिल जाएगी, और काफी अच्छे बजट के साथ, क्योंकि थोड़ा बजट आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि हमारे एम्पलीफायर में कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जो कि वायरिंग वगैरह होती है उसमें शिकायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो माल है वो एक नंबर यूज किया जाएगा। कोई लोकल बता दे तो उसको मेरे पास आके भेज देना, और मेरे पास कॉल कर देना, माल भैया आपने लोकल लगाया है, ठीक है। तो पूरा माल ओके होने वाला है, पूरा ओरिजिनल माल होने वाला है, आपको चला के दिखाता हूँ कैसा इसका ऑडियो रहने वाला है, क्योंकि भाई ऑडियो टेस्टिंग में नहीं, आपको हिला के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हिला के दिखाऊंगा तब आपको बिलीव होगा कि एम्पलीफायर वाकई में दमदार है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 260 एमओएसफेट यूज किया है, और यहाँ पर देखते हैं जो पावर सप्लाई है, यहाँ पर 494 नंबर की आईसी यूज की गई है, ना कि 3525 जो अपनी आती है ना, 2025 वो यूज नहीं की गई है, 494 आईसी यूज की गई है। और यहाँ पर जो मैंने एक भी आईसी का देख सकते हैं नंबर बिल्कुल नहीं मिटा रहा, क्योंकि कई बंदे लोग होते हैं उनको रिपेयरिंग करने में थोड़ा समस्या आती है, और कई को मैं देता हूँ तो उनको भी समस्या आती है, उनको रिपेयर करने में कभी खराब वगैरह हो जाए, तार वगैरह वो हो जाए, एक बार शॉर्ट होगा तार तो कुछ नहीं होने वाला है, 60 तार शॉर्ट हो गए तो, लेकिन अगर ज्यादा देर तक तार शॉर्ट हुए रह गए तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इस प्रकार से आपको इसको चला सकते हो। और कनेक्शन की मैं बात बता दूं, यहाँ पर मोनो एम्पलीफायर है, यहाँ पर 2 वायर लगा रखी है, यहाँ पर आप इस पे 4 10 इंच आते हैं उनको रन करा सकते हो, ठीक है, और 2 सकते हो।
यार ये अपनी जो डीसी की वायर हो जाती है 12 वोल्ट की, ये हमारी हो जाने वाली है और इसके अब टेस्टिंग देखना है। सर टेस्टिंग किस प्रकार से होने वाला है, टेस्टिंग अच्छा लगे तो एक बार वीडियो लाइक करना और एक बार अपना रेस्पॉन्स जरूर देना कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, तो ये हमको जरूर बताना ठीक है। तो यार सपोर्ट बनाया दोस्तों। आपको एक और चीज बता दो, इसको बाई कैसे करना है और कैसे इसको आपको लेना है, तो आप हमारे राजस्थान में दोस्त जिले के अंदर भी आ सकते हैं ठीक है। राजस्थान में दोस्त जिले से रहने वाला हूं मैं, परमात्मा डीजे लखनऊ सीमानपुर, यहां पर देख सकते हैं हमारा लोगो मिल जाएगा, तो यहां पर आप आ भी सकते हो या आपको कुरियर करवाना हो तो कुरियर भी हो जाएगा। पे ऑन डिलीवरी का सिस्टम है, कैश ऑन डिलीवरी अभी उपलब्ध नहीं है ठीक है। यहां पर ये नंबर देख सकते हो, इस पर जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा आपको, और स्क्रीन पर जो नंबर है उनमें जाकर व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा हर वीडियो के ऊपर यही नंबर मिलेगा ठीक है, ऐसा कोई फ्रॉड सिस्टम होने वाला नहीं है, जो यही नंबर है मेरा। और इसको टेस्टिंग में देखना काफी खतरा, और इसके अंदर ऑप्शन बता दूं ऑप्शन क्या क्या रहने वाला ठीक है। हर किसी एम्पलीफायर के अंदर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा ये ठीक है। यहां पर जैसे मास्टर वॉल्यूम हो जाता है और यहां पर मीड का ऑप्शन दिया गया है ठीक है। मीड जो अपनी लॉन्ग फ्रिक्वेंसी के लिए आते हैं डीजे के अंदर, जो मतलब लंबी आवाज फैलती है ट्रैक्टर के अंदर, मतलब जो अलग ही लेवल के लिए, मतलब कोई बेस सुनना चाहता है तो इसको कम कर दीजिए, और जिसको ऐसा लग रहा है मेरे को रोड़ा जमाना है एक तरीके से ट्रैक्टर के अंदर तो इसको खोल लीजिए ठीक है। बहुत सारा पड़ता है इससे, मतलब लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मतलब लंबी आवाज के लिए काम करेगा ये। और यहाँ पर जैसे बेस मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रेबल मिल जाएगा जो एम्पलीफायर में आता है, और यहाँ पर मीड मिल जाएगा जो सबसे अलग हटके लेवल में है। जैसे आवाज देखना मैं खोल के दिखाऊंगा आपको ठीक है। गाना चल रहा है हमारा प्ले है, जैसे पूरे स्पीकर चल रहे हैं ठीक है। यहाँ पर जैसे वायरिंग में पूरे स्पीकर लगा हुआ है, ऐसा नहीं कोई मैंने बता नहीं रखा हो, पूरे स्पीकर लगा हुआ है ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हीटिंग बिल्कुल नहीं है ठीक है, बिल्कुल हीट नहीं है, और यहाँ पर थोड़ा नॉर्मली हीट होगा ये ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हीट होगा, और ये पावर सप्लाई बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है एम्पलीफायर हीट होगा ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सामान इलाके भी दिखाऊंगा ठीक है, यहाँ पर सामान इलाके और गिराके भी दिखाऊंगा अभी आप देखना ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है मैं ये स्पीकर भी लगा रहा हूँ, चार स्पीकर आपको दो स्पीकर से इलाके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो स्पीकर तार हटा देते हैं हम, बस नीचे के दो 15 इंची के लगा के दिखाऊंगा मैं, 15 इंची से लगा के दिखाऊंगा ठीक है। यहाँ पर मैं सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया, अब आपको चला के दिखाता हूँ रियल है ठीक है। यहाँ पर सॉन्ग प्ले करते हैं, मैंने पूरा इलाके भी दिखा दिया आपको, देख सकते हैं कितना खतरनाक और भयंकर एम्पलीफायर है ठीक है। एम्पलीफायर तो एक नंबर मिलेगा आपको ठीक है, जो यहाँ पर परमात्मा लैपटॉप पे देखोगे सबसे नंबर वन एम्पलीफायर मिलेगा, जो कि आप किसी से एम्पलीफायर से टक्कर लगा सकते हो ठीक है। यहाँ पर 260 एन मोस्फेट में मिलेगा, और मेरी कई एम्पलीफायर होंगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब के अंदर जाइए और वहाँ पर मिल जाएगा, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खतरनाक एम्पलीफायर होने वाला है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको जो जिसको भी मंगवाना है स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारी शॉप पर भी आ सकता है, राजस्थान में दोस्त जिले के अंदर से होने वाले हैं ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।